नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम रहती है, इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये व्यू है दोस्तों। पहले हम आप सभी को बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज करनी है और कौन सी सामग्री नहीं यूज करनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले किशमिश, जी हाँ दोस्तों, आपको किशमिश लेना है और शहद लानी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किशमिश में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर और आयरन इत्यादि भरपूर मात्रा में पाई जाती है। किशमिश लाल और काला दो तरह का होता है। जिन लोगों में वायु दोष, खून की कमी होती है, उन लोगों के लिए किशमिश का सेवन फायदेमंद होता है दोस्तों। यह दिल की बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। लेकिन आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है दोस्तों, वो है सेक्सुअली क्या क्या फ़ायदा करता है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो किन किन चीज़ों का इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है या किन किन चीज़ों का परहेज करना है। यूँ कहें हम, तली हुई चीज़ें ना खाएँ। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएँ। वनस्पति घी का सेवन ना करें, लाल मिर्च का सेवन ना करें, आलू, अगर हो सके तो चावल। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल ही करे कि नहीं नहीं चावल थोड़ा खाना ही है तो थोड़ा बहुत कभी खा लें, लेकिन जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हों तो इलाज के दरमियान आप चावल का सेवन ना करें तो सबसे बेहतर होगा दोस्तों। अब बात आती है कि हम खाएँ क्या क्या, क्या क्या खाएँगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो इसमें कोई भी चीज़ जैसे अंकुरित चना वगैरह या कोई भी अनाज, अंकुरित अनाज खाना, दूध पीना, प्रोटीन युक्त जितनी चीज़ें हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए लाभकारी होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपने जो किशमिश लाया हुआ है और शहद लाई हुई है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप शहद को एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें अच्छे ढंग से किशमिश के दानों को डाल करके मिक्स कीजिए। इसके बाद उसको ढक्कन बंद कर दीजिए। ढक्कन बंद कर करके कम से कम 48 घंटे तक उसको ऐसी जगह पर रख दीजिए दोस्तों जहाँ पे ना ज़्यादा धूप आती हो ना ही सीलन रहती हो, ऐसी जगह पर रख दें 48 घंटे के बाद। अब ध्यान दें कैसे खाना है इसको। सुबह खाली पेट, जी हाँ दोस्तों, कब खाना है, खाने का टाइमिंग होगा सुबह और खाली पेट खाना है आपको, तब ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और कैसे खाना है, कितना मात्रा में लेना है, एक चम्मच निकालना है, जिसमें कोशिश करना है कि जब आप निकाल रहे हैं किशमिश के दाने चार आ जाएं उसमें, कम से कम 3 से 4 दाने किशमिश के आ जाएं एक चम्मच में और शहद भरी हुई हो, एक चम्मच सेवन करना है आपको हर रोज़ सुबह खाली पेट, आपके लिए बेहद लाभकारी और बेनिफिशियल साबित होगा दोस्तों। हाँ, इसके साथ आपको परहेज एक और करना होगा कि जब आप ये दवा ले रहे हों, ये औषधि ले रहे हों, उस दरमियान एक घंटे के अंदर में ना कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं। जब आप ये दवा लेते हैं सुबह खाली पेट, एक घंटे तक आप कुछ ना खाएं, कुछ भी खाना नहीं और ना ही कुछ पीना है आपको, तभी ये दवा आप पर असर करेगी और उसके बाद आपको कुछ ही दिनों में इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, आपका शरीर हिष्ट पुष्ट बन जाएगा दोस्तों। फिर आप जो भी काम है, आपकी दैनिक क्रिया हो, दिनचर्या हो या फिर संभोग यानी कि दाम्पत्य जीवन हो, सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से और सही ढंग से कर पाएंगे दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए देशी नुस्खे लेकर के आए थे। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों।